आज हम लोग रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। मोस्टली रे ऑप्टिक्स में मतलब इन जनरल वास्ट टर्म में हम लोग सबको रे ऑप्टिक्स कहते हैं, बट आपकी सिलेबस में सेग्रीगेशन अलग अलग है। आपके बुक में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अलग चैप्टर है जो मैंने अभी कराया, जिसमें रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, उसके बाद प्रिज्म, ये सब कराया। और रे ऑप्टिक्स अलग चैप्टर है जिसमें रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर और डिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस है। तो अपने लोगों के चैप्टर के नोमेनक्लेचर के हिसाब से चलते हैं, अदरवाइज हम लोग सबको रे ऑप्टिक्स ही कहते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल मिरर्स का नाम सुने होंगे तुम लोग स्कूल में। नहीं सुना है? यस सर। स्फेरिकल मिरर्स का नाम सुना है? क्या होता है? चलो सपोज ये एक स्फेयर है और हम लोग इस स्फेयर के सपोज आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिया। या इनर सरफेस को पॉलिश कर दिया। तो इससे देखोगे तो दो टाइप के मिरर बने। एक मिरर ये हुआ जो कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा, इसका आउटर सरफेस पॉलिश है, ऐसा दिखेगा। यस सर। लाइट रे कहीं इधर से आएगी और कहीं रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी। इसको अगर देखोगे तो इससे जो मिरर बना वो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसका अंदर का पार्ट सिल्वर्ड है। इस पर अगर कोई लाइट रे आएगा इसका नॉर्मल कहीं इधर होगा, तो रिफ्लेक्ट होकर कहीं इधर जाएगा। तो बेस्ड ऑन कि कौन से सरफेस को पॉलिश किया हुआ है, एक स्फेयर से दो टाइप के मिरर्स बन सकते हैं। इन दोनों को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। उसमें से जिसमें कॉन्वेक्स पार्ट सिल्वर्ड है, कॉन्वेक्स मतलब बाहर का बल्ज पार्ट, लेकिन और लाइट रे अगर बल्ज पार्ट का कॉन्वेक्स पार्ट सिल्वर्ड है, तो लाइट रे मिरर के कॉन्केव पार्ट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो इस पहले वाले मिरर को हम लोग कॉन्केव मिरर कहते हैं। इसका नाम है कॉन्केव मिरर। और जिसमें लाइट रे का इंटरैक्शन मिरर के कॉन्वेक्स पार्ट से होता है उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और इन दोनों को कंबाइंड टुगेदर हम लोग स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हो गए। आया समझ में? यस सर। स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है? किसी स्फेरिकल सरफेस को कट करके उसके किसी एक पोर्शन को पॉलिश करके रिफ्लेक्टिंग बना दो तो स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। जल्दी कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं।
Yes, sir, done. Sir, done. हो गया अब इस स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, नाम सुने होंगे तुम लोग, जैसे पैरेक्सियल रे कहते हैं, पोल कहते हैं, फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, एपर्चर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, तो ये सब क्या है वो देखते हैं कि करते हैं। So next heading is terminology related with spherical mirrors. सबसे पहला टर्म सपोज ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर से कट करके एक स्फेरिकल मिरर बना है, तो इस स्फीयर से कट करके अगर एक स्फेरिकल मिरर बना है तो ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होगा उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, जैसे जिस स्फीयर को कट करके बना है उसका एक सेंटर होगा। यस यस, इस सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के पास मिरर तक कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो चूंकि ये सेंटर है इसलिए सारे डिस्टेंस इक्वल होंगे, है ना? तो इस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दो वर्ड समझ आया? यस। सो फर्स्ट सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज टेकन आउट इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। दूसरा रेडियस ऑफ स्फीयर को
रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत? सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट सी और रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस आर, ये दोनों समझ आया? यस सर। ये दोनों जल्दी कॉपी करो।
Hello, done, sir. हो गया? Yes. थर्ड टर्म. हाँ. एक टर्म होता है जिसको कहते हैं पोल और एक टर्म होता है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. सपोज ये मिरर है. हाँ. तो इसको सपोज पॉइंट एम कह देते हैं, इसको एन कह देते हैं. इसको तो ये एक धागा लेके एम टू एन ऐसे आओगे तो उसका जो सेंटर होगा, मतलब ये ज्योमेट्रिकल लेंथ का सेंटर, एम टू एन अगर मैं एक स्ट्रिंग लगा दूं तो जो स्ट्रिंग का लेंथ जितना भी आया उसका मिड पॉइंट, ये जो सेंटर है इसको पोल कहते हैं. और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऊपर देख चुके हैं. तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लाइन जॉइनिंग है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. वॉइस नहीं आ रही है? बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है? सर प्लीज रिपीट. यस सर, वॉइस क्लियर है. सुनाई दे रही है? तुम्हारे साथ दिक्कत होगी बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम. कि मिरर और मिरर का जो भी लेंथ है उसका जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग पोल कहते हैं. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करते हैं उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. और ये जो मिरर का दोनों एक्सट्रीम है, इस दोनों एक्सट्रीम को जो ज्वाइन करोगे एम टू एन वाली लाइन को, तो इसको एपर्चर कहते हैं. ये तीन वर्ड इस डायग्राम से सीखते हैं. सर क्या कहते हैं M to N वाली लाइन को, क्या कहते हैं? सब बताता हूँ. तो पॉइंट P इज पोल, पॉइंट C इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले देख चुके हैं. This line, line joining P and C, this is called principal axis. And this dotted line, line joining these two endpoints, we call it aperture. Aperture of mirror. तो यहां पर हम लोगों ने तीन पॉइंट सीखा. एक तो पोल, तो पोल इज ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर. फोर्थ पॉइंट हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहां तक कोई दिक्कत? नो सर. नो सर. और एपर्चर. लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट ऑफ मिरर. सर वो ए पी ई आर है ना, एपर्चर. हाँ, एपर्चर की स्पेलिंग ए पी ई आर टी यू आर ई. ए पी ई आर टी यू आर ई. हाँ सर. लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट ऑफ मिरर.
इसको एपर्चर कहते हैं। तो तीन वर्ड और सीखा, पोल, प्रिंसिपल एक्सेस और एपर्चर, ठीक है। इसको कॉपी कर लो फिर। यस सर। डन सर। सर डन। सबने लिख लिया? यस सर। आगे बढ़ो। नो सर, नहीं लिखा। यस सर। जिसने नहीं लिखा जल्दी खत्म करो। हाँ are done. Mark. हो गया होगा सबका? हाँ। अब देखो, तो ये एक स्फेरिकल मिरर है, ये इसका पोल है, पोल अब समझ आने लगा है आपको। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका आउटर पोर्शन सिल्वर्ड है। अब देखो, कोई भी लाइट रे अगर आया, कैसे भी आए, मान लो कोई भी लाइट रे अगर आया यहाँ पर, तो ये लाइट रे है यहाँ पर, यही इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, होगा रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, तो ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? स्फेयर का नॉर्मल तो लाइन पासिंग लाइन ही होता है ना, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बहुत स्मॉल है, तो वैसे लाइट रेज को हम लोग पैरेक्सियल लाइट रेज कहते हैं। तो सिक्स पॉइंट इज पैरेक्सियल रेज, so if angle of incidence is very small, then light rays are called pareaxial rays. ठीक है। और ये पैरेक्सियल लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर मिलता है उसको फोकस कहते हैं।
तो ये हो गया फोकस, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कौन सा पेरेक्सियल लाइट? जो पेरेक्सियल लाइट प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो पेरेक्सियल रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर meet principal axis again, again they meet principal axis at a point known as focus. Distance of focus from pole is called focal length. Point number 9. For pericardial rays, focal length f is r by 2. कैसे होता है प्रूव करके दिखाऊंगा। तो पहले इतने पॉइंट को कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, sir, done.
डन सर। हेलो सर डन। हेलो 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 हाय सर। हेलो हाँ बोलो डन। हाँ लिख लिया। ठीक है, अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ। जैसे सपोज ड्रॉ ये एक स्फेरिकल मिरर है, एक लाइट रे ऐसे आया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये जो रिफ्लेक्ट करके जाएगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, होगा ना? Yes. ये पोल है, ये जिस पॉइंट पर कट करेगा P, तो देखो ये डिस्टेंस है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर सी से पी का। अच्छा इसका पी नहीं, इसका नाम बी रख देते हैं। तो आपको ढूंढना है फाइंड डिस्टेंस बी बी। इसको कोशिश करो, ये आपका क्वेश्चन है।
हुआ कोच? बोलो आया किसी को? चलो देखो इधर, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, हाँ या ना? यस सर। तो ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल हुआ। यस सर। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसको आधा आधा डिवाइड भी करेगा आइसोसेल्स ट्रायंगल होने की वजह से। यस सर। तो ये जो रेड वाला डॉटेड लाइन दिख रहा है वो तो रेडियस है, तो ये आधा डिस्टेंस आर बाई टू होगा। बोलो। यस सर। तो इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, दैट इज आर बाई टू अपॉन बी सी। तो बी सी की वैल्यू मिल गई आर अपॉन टू कॉस थीटा। हाँ या ना? यस सर। तो ये पूरा पी टू बी डिस्टेंस कितना होगा? ये पी टू बी डिस्टेंस मेरा हो जाएगा आर माइनस बी सी, दैट इज आर बाई टू कॉस थीटा। यही पूछा था ना? Yes, बोलो sir. अब देखो पैरेक्सियल रेज का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे। क्या होता है पैरेक्सियल रे? पैरेक्सियल लाइट रेज क्या होता है? जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत लो, मतलब थीटा टेंस टू जीरो। तो थीटा टेंस टू जीरो तो कॉस थीटा टेंस टू वन होगा, मतलब पी टू बी की वैल्यू आर बाई टू होगी। और पैरेक्सियल रे में जो पी टू बी होता है वही फोकल लेंथ होता है। चमका कोच की नहीं? सर। किसी भी मिरर का फोकल लेंथ आर बाई टू होता है, वो समझ आया? तो बोलो। यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो। हो गया सबका?
यस सर यस सर सर देखिए क्वेश्चन करो
बोलो आया कुछ आंसर? बोलो बोल तो सही, एकदम एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है ये। आवाज आ रही है? यस सर। अबे वो कर क्या रहा है, मैं समझ नहीं पाया। अभी तुरंत ऊपर सॉल्व किया है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। देखिए ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये दोनों थीटा है तो ये आइसोसेल्स का एंगल होगा। तो ये डिस्टेंस अगर आर है तो ये डिस्टेंस भी आर होगा, और ये आर है, और ये तो आर है ही, यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से यहाँ तक वाला, तो तीनों आर हो गए, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। चमका कुछ की नहीं? यस सर। टू पी आर है इसमें कोई डाउट नहीं, सी टू आई आर है इसमें कोई डाउट नहीं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, और ये थीटा है तो ये दोनों साइड लेंथ भी तो इक्वल होंगे, तो ये भी आर हो जाएगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया थीटा 60 डिग्री। बोलो। यस सर। पक्का? यस सर। क्या हुआ ये? आगे बढ़े, सबको yes. समझ आया कि नहीं? यस सर समझ गया। चलो नेक्स्ट। स्कूल में मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, 1/v + 1/u = 1/f वाला कहानी? यस सर। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला पे बाद में आते हैं, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे समझो, सपोज ये एक मिरर है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ए बी मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। तब पैरेक्सियल लाइट रे है, एक लाइट रे ऐसे आया और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गया, तो ये पॉइंट मेरा फोकस हो गया। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक दूसरा लाइट रे मान लो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेता हूं, तो
तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया ये तो इसी पाथ में रिट्रेस हो जाएगा ना, वापस आ जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल का ही लाइन होता है। आया ना? यस सर। यस सर। पॉइंट ए का इमेज ए डैश यहाँ बन गया, तो ये हमारा इमेज बन गया ए डैश बी डैश। इसको इमेज डिस्टेंस वी कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कहते हैं, इसको फोकल लेंथ एफ कहते हैं, और इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कहते हैं, और इसको पोल पी कहते हैं। ये सब मालूम है? तो मिरर फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने के चक्कर में है, यू वी और आर में रिलेशन निकालना चाहते हैं। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये सब पैरेक्सियल रे है तो थीटा छोटा होगा। कोशिश कीजिए।
ड्रॉ कर लिया सबने? जी सर। क्या बोल रहे हो? यस सर, कर लिया। ठीक है, अब देखो सर, वी और एफ सेम है क्या? सॉरी, नहीं नहीं, वी और एफ सेम नहीं है। एफ है, एक मिनट, वो ड्राइंग है। एफ है, यहाँ तक का डिस्टेंस, और वी है इमेज जहां तक है वहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, ओके सर। चलो, तो ए पी ये सब हो गया, इस पॉइंट का नाम कुछ दे दो एम। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉइंट एम। तो अगर ये पैरेलल लाइट रे है तो पी और एन के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो है। मुझे तो ड्राइंग बनानी थी इसलिए मैं क्लैरिटी से बनाऊंगा ताकि दिखाई दे। अदरवाइज अगर पैरेलल लाइट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, तो ये लाइट रे ऊपर से और नीचे आएगा तभी थीटा छोटा होगा। तो पी और एन ऑलमोस्ट एक ही जगह पर है। ठीक है, ठीक है। यस सर। बोलो, अब देखो अब इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर है? बोलो। यस सर। अगर सिमिलर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। बी सी लिखोगे तो यू माइनस आर होगा, और बी डैश सी लिखोगे तो आर माइनस वी होगा। दिस इज ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अगेन देखो, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ और ट्रायंगल एम एन एफ सिमिलर होगा? होगा, बोलिए। हाँ सर, होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश, दिस इज इक्वल टू एम एफ अपॉन बी डैश एफ। लिख सकते हैं? बोलो। हाँ सर, लिख सकते हैं।
और ए बी का लेंथ सेम होगा, एम एन और ए बी का लेंथ सेम होगा, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हाँ सर। अच्छा, एन एफ, एन एफ को हम स्मॉल एफ लिख सकते हैं या आर बाई टू बोल दो, एक ही बात है, या स्मॉल एफ लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। एन एफ, एन एफ को स्मॉल एफ लिख सकते हैं। यस सर। और बी डैश एफ को वी माइनस एफ लिख सकते हैं। यस सर। तो वन और टू से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश को इक्वेट कर दो अब। तो मुझे मिलेगा U माइनस R अपॉन R माइनस V इज इक्वल टू F अपॉन V माइनस F। पैरेक्सियल लाइट रेज के लिए F इज R बाई टू, मतलब R इज नथिंग बट टू F, तो R को टू F पुट कर दो, तो ये हो जाएगा U माइनस टू F अपॉन टू एफ माइनस वी इज इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ, ऐसा होगा। यस सर। दोनों रेसिप्रोकल ले लो, तो ये फिर हो गया टू एफ माइनस वी अपॉन यू माइनस टू एफ इज इक्वल टू वी माइनस एफ अपॉन एफ, that is v upon f minus 1, इस minus 1 को इधर ले जाओ, तो 2f minus v upon u minus 2f plus 1 is v by f, हो गया ऐसा। तो एलसीएम ले लोगे u माइनस टू एफ, इधर हो गया टू एफ माइनस वी प्लस यू माइनस टू एफ, दिस इज इक्वल टू वी अपॉन एफ, तो ये टू एफ, ये टू एफ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू वी माइनस टू वी एफ, इसको इधर ले गए टू वी एफ को, तो ये हो गया वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू वी, दोनों डिवाइड कर दीजिए यू वी एफ से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय U into V into F, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 by U plus 1 by V is equal to 1 by F, ऐसा हो जाएगा। Yes sir। So more precisely 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F, ये हमारा मिरर फॉर्मूला हो गया जो स्कूल में पढ़ते थे, याद आया। यस सर। तो इस मिरर फॉर्मूला को कॉपी करो, फिर इसको यूज कैसे करते हैं सीखेंगे।
लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए रहने दीजिए इतना ही। चलिए बाय।